लुक्स नाइस। सो सरोजनी से सस्ता आजकल आज ही हो गया। दिस इज समथिंग डिफेक्टिव जो तुमने सेल में दे दिया, बहुत ज्यादा इन्होंने ऐसे पफी पफी बना दिया। Hi guys, my name is Kashika. Oh, welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Super, super, super excited today. थोड़ा सा frame से पहचान ही हो गया। I'm standing, so obviously I'm gonna do a clothing haul. You guys know मैं पहले कितने clothing haul करती थी, live try on दिखाती थी, उसके बाद आपको try करके पूरा एक review देती थी। और आज जो से shopping कर रहे थे मुझे बहुत time हो गया। So this time जब मैंने आज जो खोला बहुत अच्छी sale लगी हुई थी, red hot कुछ sale लगी हुई थी आज जो पर। आप सबके सामने मैं open करने वाली हूँ, एक short review दूंगी। So let's see if these are worth every price or not. इसके अलावा मैंने दो फुटवेयर भी लिए थे पहले, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले जरा वापस आएंगे, आपको पता आपको क्या करना है, यू हैव टू हिट द लाइक बटन बिकॉज मुझे पता आपको वीडियो पसंद आने वाली है। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर, ऐसी और वीडियोज में बनाती रहती हूँ। आप मेरे प्रीवियस आजियो मिंत्रा हॉल भी देख सकते हो, आई हैव अ होल प्लेलिस्ट बाय द नेम ऑफ शॉपिंग हॉल, सो डू चेक इट आउट। एंड या नाउ लेट्स ट्राई इट आउट। सो लेट्स ओपन द फर्स्ट पैकेज। ऑफ कोर्स मुझे बाहर के लेबल से तो पता नहीं चल रहा अंदर क्या है, खाली खाली लग रहा है, कुछ छोटा मोटा आइटम होगा। ओ इट्स अ टॉप, ये ऑरेंज वाला टॉप मुझे बहुत अच्छी डील पे मिला था। एंड आई होप लेट्स होप कि फिट आ जाए और अच्छे से फिट आए। सो लेट मी जस्ट पुल इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सबके चैनल पार्टनर साथ ही दिखा दूंगी सो दैट यू गेट एन आइडिया एज वेल कि कैसा लग रहा है। ओ आई लव द मटेरियल, काफी अच्छा मटेरियल। और ये कलर मेरे पास था भी नहीं, मेरा बहुत मन था ये वाला ऑरेंज लेने का। मैंने इस बार सब कुछ हल्का सा वन साइज अप मंगाया बिकॉज मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, हल्का सा वेट गेन हुआ है, ब्लोटिंग हो गई है थोड़ी बहुत। तो अब मैं ज्यादा टाइट टाइट कपड़े पहनना प्रेफर नहीं करती। यू नो आई हैव रीच्ड टू द एज ऑफ माई लाइफ जब मेरा मन करता है कि ऐसे ढीले ढीले इजी ब्रीजी कपड़े पहनते हैं। लेट मी नो अगर आपका भी वो वाला स्टेज आ गया है तो, बट मेरा तो आ चुका है। दिस इज द टॉप दैट आई ऑर्डर्ड, दिस इज इन द साइज मीडियम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई लव द फैक्ट इसके शोल्डर एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, कभी कभी वन साइज प्लस तो ना तो शोल्डर ड्रूपी हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, शोल्डर एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। लव द स्लीव डिजाइन एज वेल। वैसे पूरा टॉप प्लेन है लेकिन ये जो स्लीव पे पैटर्न जा रहा है ना वो इसको एकदम क्लासी बना रहा है। आजकल वैसे भी फैशन है एकदम बेसिक प्लेन टॉप पहनने का, बिकॉज आप इसको स्टाइल कर सकते हो। आप इसको एक अच्छी डेनिम के साथ पहन सकते हो, आप इसको स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हो, और बीच पर जा रहे हो तो शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो। द लेंथ इज ऑल्सो गुड, लाइक आई एम वेयरिंग माई हाई वेस्ट डेनिम और इसकी लेंथ मुझे काफी अच्छी लगी। लव द फिट, एकदम ढीला ढीला इजी ब्रीजी और बिल्कुल ओवर साइज भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा बड़ा मंगा लिया। अगर मैं अपने साइज से ही मंगाती तो वो हल्का सा और टाइट आता, बट आई थिंक दिस लुक्स बेटर। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये प्योर कॉटन है, काफी अच्छा कॉटन मटेरियल है। द एमआरपी ऑफ दिस वन इज 499 और मुझे पड़ा है 124 रुपीज का, विच इज डेफिनेटली अ स्टील डील। 124 रुपए के टॉप आपको इतने अच्छे सरोजनी में भी नहीं मिलेंगे। सो सरोजनी से सस्ता आजकल आज ही हो गया, सो डेफिनेटली चेक इट आउट, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड आइटम व्हाट इज दिस, ओह इट्स अ शॉर्ट्स, ये मुझे बहुत अच्छी डील पे मिली थी। और आजकल क्या है, मुझे जब भी डील दिखती है मैं शॉर्ट्स ले लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, वेट करती थी अच्छा कहीं बीच वेकेशन होगी या कहीं छुट्टियों पे जाना हो तो मैं शॉर्ट्स ले लूंगी, बिकॉज दिल्ली में तो मैं बाहर शॉर्ट्स नहीं पहनती, मैं बीच वेकेशन या फिर कहीं घूमने जाते तभी पहनते हैं। तो मुझे इस बार लगा कि यार जब भी अच्छी डील मिलना ले लिया करो, बिकॉज जब कहीं प्लान बनता है जाने का तो तब सेल नहीं होती। सो इस बार आजियो की सेल पे मुझे शॉर्ट्स दिखी। दिस इज फ्रॉम द ओन ब्रांड, या दिस इज फ्रॉम द ब्रांड रियो। सो ये जो रियो है ना ये आजियो की अपनी ब्रांड है और ये आपको आई थिंक रिलायंस ट्रेंड्स एंड ऑल में दिख जाएगी। एंड ये भी मैंने एक प्लस साइज में मंगवाई है, दो इसके पीछे यहाँ पे इलास्टिक है एंड फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखती है। इट्स अ वेरी प्रिटी लैवेंडर कलर जो बहुत सुंदर लगता है। द लेंथ इज ऑल्सो गुड एंड इट्स क्वाइट पतली, मतलब ये वो मोटी वाली डेनिम नहीं है, ये बिल्कुल जो पतली पतली डेनिम होती है नीचे इसके जो हेम्स है वो फ्रेड है, जैसे धागे धागे निकले होते हैं, जो काफी कूल लगता है। एंड या द साइज दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज मीडियम 76, सो लेट्स क्विकली ट्राई इट आउट। अगर ये अच्छे से फिट आ गई तो काफी सही। वेट अ सेकेंड, वो इसकी इलास्टिक खराब है। यू नो दैट इलास्टिक जो हो जाती है खिंच जाती है, उसके बाद ऐसे खिंच के छूट जाती है। आई थिंक या इसकी इलास्टिक खराब है, दिस इज समथिंग डिफेक्टिव जो तुमने सेल में दे दिया। या द इलास्टिक इज डेफिनेटली खराब एंड आई कैन सी सम डिफेक्ट एज वेल, लाइक हल्के फुल्के ना यहाँ पे लाइक स्टिचिंग डिफेक्ट है, थोड़ा बहुत थ्रेड यहाँ से खिंचा हुआ है एक दो जगह से। एंड या दिस इज सैड यार, आज यू अपने डिफेक्टिव आइटम सस्ते में निकाल रहा है। मतलब ठीक है सरोजनी से भी हम काफी बार जो कपड़े लाते हैं वो सॉर्ट ऑफ डिफेक्टिव ही होते हैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम आजियो। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया। अब तो ये और ढीली हो गई है बिकॉज ये लिटरली मैंने इलास्टिक खींची है और ये अब वापस नहीं जा रही, खींची गई है। सो या आई एम नॉट रियली श्योर, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा ब्लोटेड चल रही हूँ आजकल तो ये साइज मुझे फिट आ जाना चाहिए, बट एक बार सरफ फटाफट से ट्राई कर लेते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड नाउ आई नो कि इतने सस्ते में क्यों मिल रही थी ये। अगर वो 200 रुपए में दे रहे हैं ना वो इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ये डिफेक्टिव है, इसकी इलास्टिक पूरी खिंच चुकी है और ये काफी लूज हो गई। कैन यू सी इट्स वेरी वेरी लूज ऑन मी, मतलब अगर मैं बेल्ट लगा लूंगी तो ठीक आएगी। द फैक्ट दैट टाइट नहीं है विच इज गुड बिकॉज टाइट शॉर्ट्स तो पहनी जाती है। 200 रुपए के हिसाब से पूरी नहीं, अगर इधर उधर बीच पे पहन लूंगी बिकॉज बीच के हिसाब से काफी अच्छी है, बिल्कुल पतली मटेरियल
अब बिल्कुल ही मोटी नहीं है। मिक्स्ड रिव्यूज मेरे को तो मिल गई तो मैं रख रही हूँ, बट आई वोंट सजेस्ट यू गाइस टू बाय दिस बिकॉज ये आपके पास भी डिफेक्टिव आ सकती है। शॉर्ट्स के गम को बुलाते हुए थर्ड पैकेज खोल रही हूँ मैं। ओ इट्स अ टी शर्ट, ये मैंने सस्ती मंगाई है, लेट्स होप ये डिफेक्टिव ना हो। ये मैंने सिर्फ अपने घर के लिए मंगाई थी बिकॉज ये डार्क कलर है और ये खराब भी नहीं हो गया। एंड दिस वन कॉस्टेड मी फॉर जस्ट ₹100, मतलब सरोजनी वाले प्राइस पे मुझे ये मिली है। सो दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड रियो, इसका MRP है 399, लेकिन मुझे ये मिली है ₹100 की। मैं क्या करती हूँ जब भी ऐसे आजियो पे सेल लगते हैं कुछ ना कुछ लेती हूँ ना, तो हमेशा इनकी रियो वाला या DNMX दो तीन ब्रांड्स हैं जो आजियो पे बहुत अच्छी हैं, कॉटन का बहुत अच्छा है, वो चेक करती हूँ, उस पर फिल्टर लगा देती हूँ लो टू हाई। तो लोएस्ट में सबसे अच्छे कॉटन के मिल रहे होते हैं वो मैं ले लेती हूँ, सो दैट आई कैन वेयर एट होम, बिकॉज ऑब्वियसली अब शादी हो गई है, मैं वो पुराने अपने घर वाले घिसे हुए कपड़े तो पहनूंगी नहीं, आई हैव टू वेयर समथिंग गुड जो घर पर पहना जाए। एंड कॉटन इज समथिंग जो बेस्ट होता है, समर्स में आप घर पर पॉलिएस्टर क्रेप या फिर वॉलेट टॉप नहीं पहन सकते। आई लिटरली सेड कि मैंने मीडियम साइज मंगाया है ताकि मुझे थोड़ा सा लूज लूज आए, बट लुक एट दिस, मुझे रियो का मीडियम भी फिटेड आ रहा है यार, क्या हो गया कशिका, आई हैव टू गो जिम नाउ। बट दिस आउट द टी शर्ट लुक्स लाइक इट्स प्रीटी, इसको मैं बाहर भी पहन सकती हूँ, लाइक इधर उधर ग्रोसरी रन के लिए जाना हो या फिर जीन्स के साथ पेयर अप करना हो, अच्छा है, डार्क कलर है। सो मैंने वैसे घर के लिए ली थी, बट इट लुक्स नाइस, ₹100 में नॉट ऑल बैड, अच्छा प्योर कॉटन है, एंड द लेंथ इज गुड। अगर आप सरोजनी से भी सॉस हो गया फिर लोकल मार्केट में भी जाओगे ना, ₹100 के क्रॉप टॉप या फिर वो सब लोगे, बिकॉज मैं भी स्ट्रीट शॉपिंग काफी करती हूँ, ₹100 में आपको सारी वो क्रॉप वाली टी शर्ट्स मिलेंगी। आपको लॉन्ग टी शर्ट हमेशा 150, 200, 350 की मिलती है, तो ये चीज अगर मुझे आजियो पे ₹100 की मिलेगी, दिस इज नॉट एट ऑल बैड, नाइस, आई लाइक इट, दिस वन इज डेफिनेटली अ थम्स अप, दिस इज लिटरली सुपर कम्फी एंड आई लव द ग्लो ऑन माई फेस एज वेल। अभी तक तो मुझे कोई ज्यादा पसीने नहीं आए हैं, दिस इज लिटरली माई ओन ग्लो। मैंने बहुत हल्का ब्लश लगाया, कंसीलर हल्का सा लगाया है, बिकॉज टचवुड ऑल माई एक्ने मार्क्स आर फेडिंग डे बाई डे। एंड अगर आप भी परेशान हो, आपका मलाजमा का इशू है, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं, आई नो मैंने वो फेस देखा है, हमें सबको पता है एक्ने तो जल्दी चला जाता है लेकिन जो मार्क्स रह जाते हैं ना वो बहुत टाइम लगाते हैं फेड होने के लिए। सो मेरे पास एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है जो मैं काफी टाइम से आपको रिकमेंड भी करना चाहती थी, सो आई थॉट व्हाई नॉट टेल यू गाइज राइट नाउ, बिकॉज मैंने इसको काफी अच्छे से टेस्ट किया है एंड द रिजल्ट्स आर एक्चुअली वेरी गुड। आई एम टॉकिंग अबाउट द डर्माको ट्रांसैलिक सीरम पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम, सो इसका पूरा नाम है ट्रांसैलिक पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम। इट हैज द पावर ऑफ टू सीरम, से पहले है इसमें 3% ट्रांसैलिक एसिड बहुत अच्छा होता है पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, मेलाज्मा, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन जो हमें होती है उसको लाइटन करने के लिए। देन इसके अंदर 10% एजेलिक एसिड भी है जो मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, ये काफी अच्छे से टारगेट करता है ब्लेमिशेस, जो भी रेडनेस, एक्ने मार्क्स होते हैं उसको कम करने में हेल्प करता है। काफी सारे डर्मैट्स आपको एजेलिक एसिड की ही ट्यूब्स देते हैं अगर आपको एक्ने या फिर मार्क्स की प्रॉब्लम होती है, ये ओवरऑल बैक्टीरिया भी किल करता है जिसकी वजह से एक्ने होता है, तो एजेलिक एसिड बहुत अच्छा है। अगर आपको सैल्सिलिक एसिड से रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, ट्रस्ट मी यूज एजेलिक एसिड बेस्ड सीरम, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज मुझे पर्सनली एजेलिक एसिड बेटर सूट किया है। इसके अलावा इसमें अल्फा आर्बिटिन भी है, यू गाइज नो अल्फा आर्बिटिन के भी काफी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, ये एक तरह से स्किन को ब्राइटन अप करता है, जो मेलनिन प्रोडक्शन होती है उसको थोड़ा सा इनहिबिट करने की कोशिश करता है, ओवरऑल जो एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको लाइटन अप करता है। सो अगर आपका मेन कंसर्न है हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, उन सब के साथ डील करने का, ट्राई दिस पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम, यू विल थैंक मी लेटर। सो इस सीरम को आप कभी भी लगा सकते हो, मॉर्निंग टाइम में या फिर नाइट टाइम में, मैं पर्सनली ज्यादातर इसको नाइट टाइम में लगाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज एक्टिव बेस्ड है तो रात को ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, लेकिन अगर आप डे टाइम में लगाना चाहते हो देन मेक श्योर यू आर फॉलोइंग इट अप विद अ नाइस सनस्क्रीन, एंड द सनस्क्रीन आई वुड रिकमेंड इज अगेन फ्रॉम डर्माको, ये है डर्माको की 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन। मुझे इनकी हाइलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन पहले वाली भी काफी अच्छी लगती है और ये उसका एक न्यू वर्जन है जो लॉन्ग लास्टिंग है, सो ये आपको 6 आवर्स की प्रोटेक्शन देती है, SPF 50 एंड PA 4x+, एंड द बेस्ट पार्ट इसमें कोई व्हाइट कास्ट नहीं आती, काफी लाइट है, इसका टेक्सचर तो पहले वाली सनस्क्रीन से और लाइट है, तो काफी जल्दी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, स्वेट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है इसलिए काफी अच्छे से स्किन को हाइड्रेशन देती है, स्किन को प्लम्प बना के रखती है, तो इसके ऊपर अगर आप मेकअप भी करोगे ना तो वो काफी अच्छा ग्लोई और ड्यूई लगने वाला है, विच आई पर्सनली लव ऑन मी। एंड द बेस्ट पार्ट इज डर्माको के अब सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री हो गए हैं, तो ये दोनों भी फ्रेग्रेंस फ्री हैं, सो दीज आर सूटेबल फॉर सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन एज वेल। You can buy these from Dermaco's official website and use my code Kashika2024 for extra 20% off on their website. लेकिन अगर आप बाकी वेबसाइट से लेना चाहते हो तो ये Amazon, Nykaa, Purple, Flipkart पे भी अवेलेबल है, मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट इफ यू ऑर्डर फ्रॉम Dermaco, यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज Dermaco हैज एम्पावर्ड 20,000+ स्टूडेंट्स दिस ईयर विद यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। सो आप जब भी Dermaco से लोगे, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, सो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। इसकी जितनी भी डिटेल्स और लिंक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो जरूर चेक करना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम आजियो।
नेक्स्ट पैकेज हैज टू आइटम्स इन इट, सो लेट्स क्विकली चेक इट आउट. सबसे पहला तो मेरी फेवरेट ब्रांड से ही है, विच इज कैंपस सूत्रा आई थिंक. या कैंपस सूत्रा, कैंपस सूत्रा के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ऐसे जिपलॉक में आते हैं, विच इज गुड. आई लव दीज जिपलॉक वाली पैकेजिंग. मैं अपने काफी सारे कपड़े ऐसे जिपलॉक में रखती हूँ, फिर ट्रैवल करना होता तो काफी सही रहता है. मैं भी जब थाईलैंड भी गई थी, मैंने दो ड्रेसेस पहनी थी कैंपस सूत्रा की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई रियली लाइक द स्टिचिंग, द मटेरियल. तो मुझे जब ये ड्रेस दिखी लॉन्ग में तो मैंने ले ली. इट्स नॉट दैट एग्जैक्टली लॉन्ग, लेकिन इट्स लाइक मिडी, जो मिड लेंथ ड्रेस होती है ना. एंड अगेन ये भी थोड़ी सी लूज लूज है, इसमें मेरा बेली फैट नहीं चमकेगा या फिर बहुत ज्यादा टाइट टाइट नहीं आएगी. आई ऑर्डर्ड द साइज मीडियम, वेरी प्रिटी पैटर्न एंड पूरी लॉन्ग में ऐसे जा रही है. एंड देन वी हैव दिस टाई अप काइंड ऑफ थिंग है, इसको यहाँ पे भी आप टाई कर सकते हैं या फिर बैक पे भी. मैं थोड़ा सा टाई करके देखती हूँ बिकॉज अभी तो बहुत लूज लग रही है. पहन के एक बार टाई करके देखते हैं कि इसकी फिटिंग कैसी है. दिस इज डेफिनेटली लूज बिकॉज शोल्डर मुझे हल्के से ड्रूपी ड्रूपी लग रहे हैं, कैन यू सी. एंड द थिंग इज इसमें यहाँ पे ऐसे टाई अप थिंग आती है, कैन सी ऐसे कुछ है. और मॉडल ने जैसा आजियो के पेज पे पहना है उन्होंने फ्रंट में टाई किया हुआ है, बट अगर मैं इसको फ्रंट में टाई करूंगी ना तो वही ऐसे धीरे धीरे लुक आने वाली है. सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं इससे दोनों को क्रॉस करके ऐसे पीछे की तरफ बांधने वाली हूँ, सो दैट एक बेल्ट टाइप बन जाए, मेरा बस्ट एरिया से थोड़ी फिटिंग आ जाए, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत लूज है. इट्स टाइट नाउ एंड आई थिंक इट लुक्स नाइस. अगर मैं इसमें स्मॉल ही मंगवाती ना वो अगेन मुझे यहाँ से बहुत टाइट आता, सो आई एम गोना कीप इट बिकॉज आई लव द लूज लूज वाइब ऑफ इट. यहाँ से टाइट होगी ना तो एकदम फिटिंग परफेक्ट आ रही है और अजीब नहीं लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि मैंने गलत तरीके से पहना है. पीछे आप देख सकते हो एकदम बेल्ट जैसा लग रहा है और यहाँ पे एक क्रिस क्रॉस होकर काफी अच्छा लग रहा है. कैमोफ्लेज हो गया इतना पता नहीं चल रहा. द लेंथ इज ऑल्सो गुड. मैं यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर दूंगी जिसमें आप देख सकते हो इसकी लेंथ कैसी आ रही है, ओवरऑल इसकी लुक कैसी लग रही है. आई लव द वी नेक एज वेल, इसी स्लीव्स काफी अच्छी हैं, ऐसे बेल स्लीव्स हैं जो अच्छी लग रही है. द ओनली कॉन इज इसमें लाइनिंग नहीं है, तो इसके नीचे आपको स्किन कलर की शॉर्ट्स पहननी पड़ेगी बिकॉज अगर बहुत ज्यादा धूप या फिर लाइट पड़ेगी तो ये हल्की सी ट्रांजी हो सकती है. इसमें इन्होंने नीचे कोई लाइनिंग नहीं दी हुई, इट इज जस्ट दिस क्रेप वाला जो कपड़ा होता है. सो या आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज नॉट ऑल बैड. मुझे 440 की मिली थी इन द सेल एंड 440 में एक अच्छी मिडी ड्रेस मिलना इज आई थिंक अ गुड डील. नेक्स्ट ड्रेस मैंने जो मंगाई है वो भी मीडियम साइज में है, ये मुझे काफी अच्छी डील पे मिल रही थी. एंड ये मैंने एक इवेंट के लिए मंगाई थी. आई थॉट आजियो के पार्सल भी मिंत्रा की तरह एक दो दिन में आ जाते होंगे, बट आई फॉरगॉट कि आजियो के पार्सल काफी लेट आते हैं. सो अगर आपको कोई भी ओकेजन के लिए आजियो से कुछ लेना ना पहले से लेके रखो, बिकॉज आजियो के पार्सल आने में 5 से 6 दिन तो लगते हैं, ऐसे जल्दी नहीं आते. सो अभी सेटअपिल का इवेंट था और सेटअपिल के इवेंट में थीम थी कि आपको ब्लू या फिर व्हाइट पहनना है, तो मैंने उसके लिए ब्लू मंगाया था. इट इज लिटरली द एग्जैक्ट सेटअपिल की ब्रांड वाला कलर, पर ये रिसीव नहीं हुई. सो मैंने अपना कुछ कॉम्बिनेशन बना के पहन लिया था. बट दिस इज आवर द ड्रेस लुक्स लाइक. इट्स अ बॉडीकॉन ड्रेस, इसलिए मैंने मीडियम साइज में मंगाई है. सो दिस इज आवर लुक्स लाइक. यहाँ पे बहुत अच्छे से पफी स्लीव्स हैं एंड इस पे लिखा हुआ है कुछ. यार क्या हो रहा है मेरे साथ आज यू में, इन्होंने कुछ मार्कर से पेन से लिखा हुआ है. कैन यू सी, कैन यू सी यहाँ पे एम टी कुछ ऐसा लिखा हुआ है. आई होप ये वॉशेबल हो, अदरवाइज तो ये बहुत खराब लगेगी. फाइनली अ ड्रेस दैट मैचेस विद माई लाइनर, कैन यू सी. It looks nice. I love the whole boss lady vibe of this one. Overall, इसका fit अच्छा है. Thank God मैंने medium मंगाया. अगर इसमें small मंगवाती तो again bodycon dress है, small और ज़्यादा से tight tight आती. So you can see tummy से एकदम fit perfect आया, bust से काफी अच्छा fit आया. The shoulder fit is nice. The only thing is इसकी जो sleeves है ना ये बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसे puffy puffy बना दी और वो literally ऐसे fail हो रही है. तो वो look नहीं आ रही है, ऐसे बड़ी फुस फुस वाली look आ रही है, ना ये ऊपर है ना नीचे है. But yeah, I think I love the neckline. इसकी neckline बहुत सुंदर है. I wish ये तब receive हुई होती ताकि मैं इसको even पहन लेती, बट चलो कोई नहीं. फ्यूचर इवेंट्स में इसको डेफिनेटली पहनूंगी. आप यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग शॉर्ट, मैंने इसमें आजियो की वही व्हाइट वाली हील्स पहनी है एंड इट लुक्स क्लासी. ब्लू और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफी क्लासी लगता है. द बेस्ट पार्ट इसमें जो ड्रॉ स्ट्रिंग है ना उससे आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो. अगर आप शॉर्ट बॉडीकॉन पहनना चाहते हो आप ड्रॉ स्ट्रिंग खींच लो, आप इसको एक शॉर्ट ड्रेस बना लो. लॉन्ग पहनना चाहते हो तो आप लॉन्ग भी पहन सकते हो. सो या ओवरऑल इट्स गुड फॉर द प्राइस पॉइंट, द मटेरियल, द ओवरऑल लुक इज गुड एंड बिल्कुल भी चांसी नहीं है. इट्स वेरी गुड क्वालिटी. फुटवेयर ही बचे हैं, इसको खोलते हैं. काफी टाइट की पैकेजिंग करी है. ओह, दीज आर द ड्रेसेस आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो सबसे पहले मैंने लिया है अगेन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड व्हाइट, इस पे से फ्लावर्स बने हुए हैं एंड इट हैज अ वेरी ये क्या कहते हैं इसको, स्मोक्ड ड्रेस बोलते हैं ना, जो यहाँ पे ऐसे इलास्टिक होती है पूरी, यहाँ पे चेस्ट लाइन के पास ऐसे इलास्टिक है, फ्रंट में भी बैक में भी. आई विश फ्रंट में नहीं होती बिकॉज फ्रंट में इलास्टिक थोड़ी सी अजीब लगती है, बट चलो कोई नहीं यार, सस्ते में और क्या ही मिलेगा. एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड प्रिया फैशन, पता नहीं कौन सी ब्रांड है. ये वाली ड्रेसेस आपको लोकल में भी मिलती है, सो अगर आपको लोकल में 350 से कम की मिलती है, कूडोज. मैंने तो जितनी वाली ड्रेसेस सरोज
ने अभी देखी है ना, उन्होंने हमेशा 400-450 कोट किया, तो उसके कंपैरिजन मुझे आज ही हुई सस्ता लगा, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी। ऐसे पूरी लॉन्ग ड्रेस है, सॉर्ट ऑफ मिडी भी नहीं है, पूरी नीचे तक एंकल तक ये टच करेगी आई थिंक, एंड नीचे पूरा ऐसे फ्रिल फ्रिल दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे इसके बाद ऐसे फ्रिल टाइप बना हुआ है। सो यार लेट्स क्विकली ट्राई इट आउट। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर ट्रिप बीच ड्रेस, या फिर कोई वेकेशन पे जाओ तो अच्छी लगेगी। जो इसका नेकलाइन है काफी प्यारा, इट्स लाइक द परफेक्ट स्क्वायर सॉर्ट ऑफ नेकलाइन। स्लीव्स काफी अच्छे हैं, यहाँ से टाइट है तो बहुत अच्छे से पफी स्लीव्स आती है। ये पूरा इलास्टिकेटेड है तो यहाँ की फिटिंग काफी अच्छी है। द बैक एंड द फ्रंट फिट इज एक्चुअली नाइस, लेंथ इसकी काफी कंफर्टेबल है, यू कैन लिटरली वेयर इट एनी टाइम एनी वेयर, कहीं शॉपिंग पे जाना हो, घूमने फिरने जाना हो। काफी लड़कियां कवर्ड ड्रेसेस पहनना चाहती है तो ये कवर्ड भी काफी अच्छी है, एंड इसके नीचे आप फ्लैट हील्स कैसे भी इसको स्टाइल कर सकते हो। आई लव इट, द ओनली थिंग इज ये पॉलिएस्टर है, दोनों ड्रेसेस जो है ये पॉलिएस्टर मटेरियल की है। मॉनसून में या फिर कहीं बाहर जाना हो तो थोड़ा सा चिप 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 करेगा, बट आई थिंक मॉल में या फिर कहीं एसी में जाना हो तो चल जाए। एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट क्लोथिंग आइटम विच इज मोर लाइक अ वायरल ड्रेस, जो मैंने काफी लोगों की स्टोरीज बीच लुक्स या फिर देखी है, काफी लड़कियां ये पहनती है अपनी बीच लुक्स में, बिकॉज का जो कट है ना वो काफी फेमस है। ओह आई लव द पॉलिएस्टर मटेरियल, इसका पॉलिएस्टर थोड़ा सा अलग है और इसका थोड़ा सा और सॉफ्ट वाला पॉलिएस्टर है। इट हैज अ फुल स्लीव्स काइंड ऑफ पैटर्न गोइंग ऑन, और ये इसका टॉप एंड अटैच्ड मिनी, मतलब ये पूरी एक लॉन्ग ड्रेस है लेकिन दूर से ऐसा लगता है कि आपने एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहनी है, बिकॉज ये सेंटर से अटैच्ड है, अदरवाइज ये पूरी ऐसे डिटैच है पीछे से। पीछे जो नीचे का लोअर पार्ट है उसमें भी ऐसे इलास्टिक दी हुई है। सो या एंड इट हैज अ स्लिट, नो इसमें कोई स्लिट नहीं है, इट्स लाइक अ प्रॉपर लॉन्ग ड्रेस। और फिर बहुत प्यारा ऐसे रोजेस का काम किया हुआ है, ब्लैक कलर के ऊपर ऐसे रोजेस बने हुए हैं। सो यार लेट्स ट्राई इट आउट। ओ माई गॉड, इसको पहनना थोड़ा सा स्ट्रगल था बिकॉज ऊपर से टॉप ये नीचे से अटैच था, थोड़ा पहने में प्रॉब्लम आई, बट आई थिंक इट लुक्स नाइस। इसमें अगर मैं स्मॉल भी लेती हूँ ना तो काफी अच्छी फिटिंग आती है, सो आई वुड से अपना साइज ही लेना। मैंने थोड़ा लूज लूज पहने के चक्कर में मीडियम ले लिया और वो चीज़ यहाँ से पता लग रही है, लाइक द मीडियम थिंग इज स्लाइटली बल्जी ओवर हेयर, एंड स्लीव इसकी काफी अच्छी है। आई लव द वी नेक, नेक लाइन ज्यादा बिल्कुल भी डीप नहीं है, बहुत छोटी वी नेक है, और यहाँ पे अगर आप इसको हल्का सा नीचे कर लोगे बिकॉज ये खाली यहीं से अटैच है, पीछे पूरी डिटैच है, तो यहाँ पे एक ऐसा बहुत अच्छा कट आता है and it's literally long, पूरा नीचे ground touch करे, और यहाँ पे भी देख सकते हो कैसी लग रही है। I don't know, मैं इसमें बहुत फूली फूली लग रही हूँ, I don't know why, like it's pretty but थोड़ा सा body structure के हिसाब से इतनी flat से नहीं लगती, काफी फूला फूला इसमें look आ रही है। So यार अगर आप देना चाहते हो I would say go for your own size, इसमें true to size देना। इसमें भी polyester है but it's not that sticky sticky to the body because यहाँ से भी काफी loose है, नीचे पूरी skirt इसकी loose है, तो ये beach के हिसाब से I think काफी अच्छी लगेगी। Now with this the clothing part is over. I also have two footwear जो मैंने अभी नहीं लिए, पहले लिए थे, सो वो मैं आपको दिखा देती हूँ बिकॉज वो अभी भी आजियो पर काफी अच्छी डील पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने ली थी ये वाली हील्स, जो मैं दो बार पहन चुकी हूँ दोनों इवेंट्स पे। मैं जब गूगल ऑफिस गई थी यूट्यूब के इवेंट पे मैंने तब भी यही पहनी थी, अभी सेटअपिल के इवेंट में मैंने यही पहनी थी बिकॉज व्हाइट हील्स, मतलब आई थिंक आई एम लेट टू द पार्टी, व्हाइट हील्स सबके पास होनी चाहिए, ये लिटरली सबके साथ जाती है। फिर आप व्हाइट बैग या व्हाइट हील या गुड टू, आप कोई भी अपने आउटफिट के साथ व्हाइट बैग और एक व्हाइट हील ले सकते हो। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड किरावी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैं यहाँ पे इमेजेस भी इंसर्ट कर दूंगी मेरी पहनी हुई, ये बहुत कंफर्टेबल है। दिस इज लिटरली माई फर्स्ट एवर हील जिसमें पीछे कोई लॉक नहीं है, अदरवाइज मैं जब भी हील्स लेती हूँ मैं हमेशा पीछे लॉक लेती हूँ बिकॉज आई फील लाइक कंफर्टेबल नहीं होती, चला नहीं जाता, बट दिस वन इज एक्चुअली कंफर्टेबल बिकॉज इसका जो ये वाला लॉक है ये काफी अच्छे से पैरों को ग्रिप करके रखता है। द हील्स आर नाइस, पेंसिल है लेकिन नीचे से काफी थोड़ी सी थिक है तो काफी अच्छा कंफर्टेबल इफेक्ट देती है, एंड फ्रंट से ऐसे स्क्वायर इसका एक कट है जो काफी क्लासी लगता है। ये स्क्वायर कट आजकल बहुत इन है, क्लासी लगता है। सो यार दिस इज वेरी कंफर्टेबल, अगर आप फॉर्मल वेयर के लिए भी ऑफिस के लिए भी देख रहे हो ना, डू चेक इट आउट, दीज आर एक्चुअली गुड। नेक्स्ट फुटवेयर समथिंग जो मैंने एड्स में देखी और मैंने इन्फ्लुएंस होकर ले ली, बट दिस इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, मतलब ये खाली दिखने में ही प्रिटी है, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगेन दिस इज फ्रॉम द ब्रांड किरावी और ऐसे प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ फुटवेयर है, हल्का से एक अच्छी हाइट भी देती है। फ्रंट में ऐसे टैन कलर का यहाँ पे लाइन जा रही है, यहाँ पे भी टैन कलर की लाइन है, तो मैंने इसलिए ली थी कि मेरे टैन वाले बैग के साथ भी चल जाएगी। द होल प्रिंसिपल ऑफ लाइक द होल फैशन रूल इज आपका बैग और आपका फुटवेयर मैच होना चाहिए, अदरवाइज आप फिर कुछ भी पहनो। सो मैंने इसलिए ली थी बिकॉज मेरे पास टैन कलर के बहुत बैग है जो मैं एवरीडे वेयर में एमके का बैग लेती हूँ, जो मेरा एवरीडे सॉर्ट ऑफ स्लिंग बैग है वो भी टैन कलर का है, तो मैंने इसलिए ले ली। बट दिस इज नॉट कंफर्टेबल, लाइक अब मैं इसको सिर्फ तभी पहनती हूँ जब मुझे पता है मुझे घर से गाड़ी में बैठना है, गाड़ी से कहीं कैफे रेस्टोरेंट में जाके बैठना है, दैट्स इट। अगर इसमें आपको चलना पड़ जाना बिल्कुल नहीं आप चल सकते, सो ये मैं वेकेशन या घूमने फिरने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। दिस वॉज इट फॉर द आजियो हॉल, आई एम लिटरली स्वेटिंग बिना फैन और एसी के शूट करना वो पॉलिएस्टर में बहुत टफ होता है। बाकी जितने भी कॉटन के कपड़े हैं ना, कॉटन के ड्रेसेस, कॉटन की टीज, वो तो काफी अच्छे हैं, ये भी सुंदर है, बट आई थिंक गर्मी के हिसाब से थोड़ी चिपचिप कर रही है, बट ओवरऑल एवरीथिंग फ्रॉम दिस हॉल इज गुड अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट्स। वो शॉर्ट्स मुझे हल्की सी डिफेक्टिव लग रही है, ऐसा लग रहा है आजियो ने मुझे सेल में डिफेक्टिव चेप
या माल्स हो या उसका मैं देखती हूँ क्या करने वाली हूँ. 200 रुपए की आई थिंक आई एम गोना कीप इट बिकॉज 200 रुपए में शॉर्ट्स वैसे भी बाहर मार्केट में नहीं मिलती. सो या अदरवाइज एवरीथिंग इज प्रीटी गुड. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. इसके अलावा भी मैंने काफी सारे आजियो, मिंत्रा, अमेजॉन, नायका के हॉल्स बनाए हैं. आई हैव अ होल प्लेलिस्ट बाय द नेम ऑफ शॉपिंग हॉल्स, सो डू चेक इट आउट, वॉच दोज हॉल्स एज वेल. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.